नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। दागियों को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्माने लगी है, लेकिन शुरुआत और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही की गई है, जिसमें टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसमें कहा गया है कि सरकार के अंदर दागी शामिल नहीं होने चाहिए और कैबिनेट के अंदर तो कतई नहीं, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता दी है प्रधानमंत्री को कि वो अपनी कैबिनेट चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन प्राथमिकता जो है वो दागियों को नहीं दी जानी चाहिए। तो सवाल उठता है कि दागियों का मसले को आगे रखने के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आगे किया है, क्या सरकार इस पर सख्त कदम लेगी? क्योंकि लगातार दागियों का मसला गर्माता रहा है और अब क्या वक्त आ गया है कि दागी सरकार से और साथ ही साथ संसद से बाहर। क्या सुप्रीम कोर्ट की नसीहत का मतलब? सियासत में दाग से कैसे बचें राजनेता? सुप्रीम नसीहत पर कैसे अमल करेंगे मोदी? देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अपनी सरकार में शामिल नहीं करने की नसीहत दी है। कोर्ट ने मंत्री बनाने का फैसला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर छोड़ते हुए कहा कि उनसे साफ छवि वाले लोगों को चुनने की उम्मीद थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देश और राज्य सरकारों से जिम्मेदारी से काम करने के लिए कहा है, जिससे लोकतंत्र के सिद्धांत बरकरार रहें, राजनीति के अपराधीकरण से नागरिकों की उम्मीदों और आशाओं को ठेस लगती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं मंत्री नियुक्त करने की, उसमें कोई स्पष्ट प्रतिबंध पढ़ना इम्प्लाइड लिमिटेशन के सिद्धांतों के आधार पर संभव नहीं है। मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर एक बड़ा भारी पब्लिक ट्रस्ट और जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके कारण उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह लोग जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और मुकदमे चल रहे हैं, चार्जशीट हो गए हैं, ऐसे लोगों को नियुक्त न किया जाए। 2004 में याचिकाकर्ता मनोज नरूला ने जनहित याचिका दाखिल कर तत्कालीन यूपीए सरकार के मंत्रियों को हटाने की मांग की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर करने पर कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि किसी भी सांसद को मंत्री बनाने का फैसला प्रधानमंत्री के पास होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने गेंद मोदी सरकार और राज्यों के पाले में डाल दिया है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी कोर्ट की नसीहत का पालन कैसे करते हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके के सवाल उठाए गए हैं और साथ ही साथ जो टिप्पणी की गई है, उस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, और अब तक जो आजादी के बाद के साल बीते हैं उसमें सरकारों की तरफ से दागियों को संसद से बाहर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और आगे क्या कुछ किया जा सकता है, विकल्प क्या बचते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़ रही हैं, दुर्गेश उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर बाद हमारे साथ अमन पवार साहब एडवोकेट हैं और कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं दुर्गेश जी आपसे टिप्पणी का जो संदर्भ है वो जानना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट लगातार दागियों को लेकर चिंता जता रहे हैं और एक बार फिर से ये टिप्पणी सामने आई है, अब क्या माना जाए कि आखिरी वक्त आ गया है, अब जो पानी है उस सर से ऊपर जा चुका है? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है वो कहीं ना कहीं एक इसको हिदायत के तौर पे भी हमको लगता है कि देखना चाहिए। लेकिन ये कि एक इस बात की जो एक स्वतंत्रता जो है, जो कि संविधान की तरफ से ही मिली हुई है किसी भी देश के प्रधानमंत्री के या राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये एक सेल्फ, अब मतलब जो होता है सेल्फ कंट्रोल वाली जो बात कही है कि अगर खुद जो है प्रधानमंत्री या जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं अपने कैबिनेट का जब वो निर्माण करते हैं, जब अपने कैबिनेट में लोगों को अपने मंत्रियों का जब चयन करते हैं, तो वो अगर इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी इस तरह का जो टेंटेड जो मिनिस्टर है जिसको कि हम उसमें कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये काफी हद तक कम हो जाएगा। और संविधान ने सबके अधिकारों का क्लियर कट एक डिवीजन कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ही ऑनर करते हुए इस बात को जो है आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से समझा जा सकता है किस तरह की चिंताएं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं कि क्या हालात जो है राजनीति के बनते जा रहे हैं। अनिला सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं, लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई, उनका पहला भाषण आता है जिसमें वो दागियों को
एक साल में उनके तमाम केस निपटाने की बात करते हैं, लेकिन अब तक इसमें क्या कुछ किया गया है, सवाल ये उठता है। 100 दिन आपकी सरकार के पूरे होने वाले हैं, अब तक अगर इससे पहले वाली सरकार की बात की जाए तो कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगता रहा कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। अब क्या बीजेपी भी इस बात से डर रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी चीज से डरती नहीं है, और डरती इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी वो कुछ करती है बिल्कुल सच्चाई के साथ करती है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जो दागी नेता जो बनेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, उनको कैबिनेट में नहीं रखा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या संसदी में, जैसा भी उन्होंने कहा है। तो इससे स्पष्ट होता है शुरू से जैसे ये लेकर चले हैं कि किसी प्रकार का ऐसा कोई कदम हम नहीं उठाने वाले हैं जिसे विपक्ष की जो पार्टी है उन्हें कुछ बोलने का मौका मिले। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रकार की बात कहकर उस चीज पे मोहर लगा दी है जो नरेंद्र मोदी जी की एक सोच है। लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके की कोशिशें की गई हैं, इस तरह की टिप्पणियां सामने आती रही हैं कि दागियों को राजनीति से दूर रखा जाए, कैबिनेट से दूर रखा जाए, संसद से दूर रखा जाए, लेकिन लगातार इन टिप्पणियों के बावजूद भी वो कोशिशें कामयाब होती हुई नहीं दिखी हैं। कभी भी सरकार के अंदर इस तरीके की मनोदशा या इस तरीके की कोशिशें नजर नहीं आई है, चाहे वो यूपीए सरकार की बात की जाए, इससे पहले वाली सरकार की। अभी आपको वक्त दिया जा रहा है क्योंकि 100 दिन की आपका कार्यकाल है इस सरकार का कम से कम, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस बात को उठाते हैं वो कहते हैं कि दागियों के केस का जो निपटारा है वो एक साल के अंदर हो जाना चाहिए। तो अब क्या मान लिया जाए कि बीजेपी उस चीज से घबराने वाली नहीं है, क्योंकि अगर दागियों के आंकड़े की बात की जाए तो बीजेपी उसमें सबसे आगे है? नहीं, आप बिल्कुल मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे इस देश के, कि बिल्कुल नहीं घबराने वाले हैं, और अब तक पूरे देश को समझ में भी आ गया है उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। अगर उन्होंने कहा है कि दागी लोगों को वो संसद में नहीं बैठने देंगे अपनी पार्टी के, तो वो जो कह रहे हैं उसको अगर, वो करके अगर, भी दिखाएंगे। अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है, नहीं, अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है जिस तरीके से सरकार में आने के बाद राजस्थान के एक मंत्री पर आरोप लगते हैं लेकिन पार्टी का स्टैंड ज्यादा प्रोटेक्टिव नजर आता है, इसके उलट क्या सरकार या कोई पार्टी या आपके नेता इस पूरे मामले को ट्रायल के अंदर नहीं ले जाया जा सकता? जब तक सवाल ये कहा जाता है कि ट्रायल में है, कोर्ट के अंदर है मामला, इसके उलट भी स्थिति बन सकती है, जब तक वो नेता या वो मंत्री पूरी तरीके से क्लीन चिट ना ले ले तब तक उसे सरकार में या पार्टी में जगह ना दी जाए, इस तरीके की मनोदशा की शुरुआत कौन करेगा? ये देखिए सुमित जी, जो आप कह रहे हैं वो आपकी बात अपनी जगह ठीक है, पर आप भी जानते हैं कि राजनीति में कई बार बहुत से कारणवश गलत आरोप भी लगा दिए जाते हैं, तो ये तो हमें न्याय प्रणाली पे एक बार छोड़ना पड़ेगा ना कि उसका अपराध जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तो उसको अपराधी हम कैसे मान लें। पहले अपराध सिद्ध तो हो जाए तभी तो अपराधी माना जाएगा उसको। तो कहीं ना कहीं हमें न्याय प्रणाली में जो मुकदमे निपटाने की जो एक प्रक्रिया है उसमें तेजी लानी पड़ेगी, पर जब तक अपराधी सिद्ध नहीं हो जाएगा तो कंक्लूजन आता है कि ये मामला जो है अंडर ट्रायल है और अभी कोर्ट में मामला है, कोर्ट के अंदर अगर पूरा मामला सिद्ध नहीं हुआ है, और ये तमाम मसले हैं चाहे बीजेपी के अंदर हो, ये दुरप्पा की बात की जाए या राजस्थान की मंत्री की बात की जाए या फिर इधर चौहान की बात की जाए, आदर्श घोटाला, तमाम ऐसे मसले हैं, एक लंबी फहरिस्त है जिस तरीके से आंकड़े भी सबके सामने, 31% विधायक हैं और 14% के आसपास सांसद। सवाल ये है कि क्या इस मनोदशा के विपरीत एक परिस्थिति खड़ी की जाए कि आप क्लीन चिट हो जाइए, आपके ऊपर जो ट्रायल चल रहा है न्यायपालिका पर सबको विश्वास है, आप वहां से क्लीन चिट लेकर आइए और उसके बाद आपको जगह दी जाएगी, इस मनोदशा की शुरुआत कौन करेगा, कौन इसे आगे लेकर जाएगा? किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मनमोहन सरकार पर आरोप यह लगता था कि वो अपने आप में प्रोटेक्टिव थी, उनके पास कोई उदाहरण ऐसा नहीं था या उनके पास ऐसा मौका नहीं था सरकार गिरने का, सबसे ज्यादा खतरा मनमोहन सिंह को था। अब नरेंद्र मोदी के पास एटलीस्ट ये चांस है, वहां से शुरुआत हो सकती है? देखिए बिल्कुल शुरुआत हो सकती है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि इस मुद्दे की तह में जाना पड़ेगा। जहां तक दागी नेताओं की बात है और दागी नेताओं को मंत्री बनाने की बात है, तो किसी एक पार्टी के ऊपर ब्लेम नहीं किया जा सकता, उसमें सारी पार्टियां शामिल हैं, और जब जो भी नेता हैं जो चुनाव जब उनको टिकट दिया जाता है तो मुझे लगता है कि सबसे जो प्राथमिक चीज है अगर ये बात वहीं तय हो जाए, क्योंकि अगर आप उसको टिकट दे दें, मैं और ये बात मैं सारी पार्टियों के संदर्भ में कह रहा हूं, आप उसको पहले चुनाव का टिकट दे देते हैं, वो आदमी
विधायक या सांसद बनकर के जो है विधानसभा में या संसद में पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि अगर सारी पार्टियां थोड़ा सा इस पे आत्मचिंतन करें, और बिल्कुल दागियों को ही टिकट इसलिए दिया जाता है कि उनके जीतने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, और सवाल यह भी है कि आखिर दागी ही चुनाव में जीतते क्यों है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उसमें प्रधानमंत्री को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री इसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो अपनी कैबिनेट खुद चुन सकते हैं, लेकिन दागियों को दूर रखा जाए। क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। आखिर कब साफ होगी भारतीय राजनीति? क्या दागी नेताओं की राजनीति से छुट्टी होगी? सियासत और दाग का चोली दामन का साथ है। भारतीय राजनीति में दाग कोई नई बात नहीं है। आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता मनोज नरूला ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी। तब यूपीए सरकार के मंत्री लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, अली अशरफ फातमी और जयप्रकाश यादव को हटाने की मांग की थी। उस समय इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर करने पर कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था। इस केस की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि किसी भी सांसद को मंत्री बनाने का फैसला प्रधानमंत्री के पास होता है। आज के वर्तमान कैबिनेट के हैं, उसमें किसी को FIR है, किसी को पुलिस की चार्जशीट है, इसको कोई एक स्थायी आरोप हम मान नहीं सकते, या आधारपूर्व आरोप नहीं मान सकते, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की चेतना पर इसको छोड़ा जाए, और वही सही जगह है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पीएम के विचार करने की उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि मौजूदा लोकसभा में 34% सदस्य यानी 186 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, वहीं राज्यसभा में 17% यानी 41 दागी सांसद हैं। उधर देश भर में 4,120 विधायक हैं, जिनमें से 31% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। वहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार राजनीति को साफ करने की वकालत करते रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो सवाल यही बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उससे सरकार अपने आप को कैसे बचाएगी, या फिर राजनीति से क्या दागियों को दूर रखा जा सकता है। दुर्गेश जी, इतना मुश्किल क्यों है राजनीति को दागियों से दूर रखना? देखिए, जो राजनीति है वो मुझे लगता है कि उसके पहले मूल चरित्र को समझना पड़ेगा। जिस तरह की राजनीति आज हो रही है, चुनाव में बड़े बड़े वायदे कर देना बात अलग है, व्यवहारिक राजनीति को रोज जीना वो एक अलग बात है। ये बिल्कुल दीगर है कि जिस तरह के नेता जिन जो आपराधिक छवि के होते हैं, जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी हो, कि मंच से चाहे आप जितनी तरह की बातें कर दें, जब चुनाव की बात आती है, जब उनको टिकट देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को सारी पार्टियों में जो है एक उनको शरण मिलती है, उनको टिकट दिया जाता है, उनको जिताया जाता है, वो विधानसभा या संसद तक पहुंचते हैं। अब थोड़ा नई सरकार के आने के बाद, और खासकर आज इस माननीय उच्चतम न्यायालय के इस ऑब्जर्वेशन, हाँ, एक जो है एक टिप्पणी जो आई है, उसके बाद मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन सबको ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि इसको कैसे कम या फिर कैबिनेट से या सरकार से बाहर रखा जाए। अनिला जी, क्या वाकई सांसदों को दूर नहीं रखा जा सकता, या दागियों को दूर नहीं रखा जा सकता सरकार से या कैबिनेट से? इतनी मुश्किल तमाम पार्टी को क्यों आती हैं? क्या सिर्फ दागियों के दम पर ही सरकारें बन सकती हैं? नहीं, देखिए, दो अलग चीज हैं। एक तो यह है कि भाई आपने किसी को चार्जशीट कर दिया है, ठीक है, उसके गिरेबान पे, या उस कहते हैं ना कि भाई उसको आप दागी कह सकते हो, पर मैं फिर दोबारा एक यही बात कहूंगी कि जब तक वो अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता है, आप कैसे मान लें? हो सकता है किसी षड्यंत्र का शिकार हुआ हो। अनिला जी, ये जो तो जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि तमाम जो लोग हैं वो दागी नहीं हो सकते जिन पर आरोप लग रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र किया जा सकता है, कोई अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरीके के आरोप लगा सकता है, लेकिन क्या तमाम केसों में इस तरीके की परिस्थितियां हैं? कई गंभीर आरोप भी होते हैं, क्या उन गंभीर आरोपों पर कम से कम संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए जिस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं? कुछ आरोपों के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी या इस तरीके का तर्क ठीक है?
नहीं सुमित जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं इस प्रकार के, अगर अपराधी हैं तो उनको संसद में बैठने का या विधानसभा में बैठने का बिल्कुल कोई हक नहीं है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में जो कहते हैं ना, एक अच्छी छवि वाले, क्लीन छवि वाले यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिल सकते हैं। ये पार्टीज को भी कहीं ना कहीं पहल करनी पड़ेगी कि एक अच्छी छवि के कैंडिडेट को ये लेकर आए। अगर अच्छे लोग पहुंचेंगे, संसद में पहुंचेंगे या विधानसभा में पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं अपराध में भी कमी आएगी, क्योंकि सोच जो होगी वो सकारात्मक होगी। तो ये एक अच्छी पहल होगी जो कि हमारे मोदी जी भी करना चाह रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही। ठीक है, लेकिन अनिला जी, अगर मैं बात करूं यूपीए सरकार के शासनकाल की, उस वक्त संसद में कम से कम 10 बार ये मुद्दा उठा है, लेकिन एक बार भी इसमें सहमति नहीं बन पाई कि इसके संदर्भ में कोई कठोर कानून बनाया जा सके या फिर इस तरीके से दागे को टिकट ना दिया जाए। लेकिन अगर एनडीए के शासनकाल की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण से ही इस बात की शुरुआत की थी। तो अब सवाल यह उठता है कि यूपीए में 10 बार जिस बात को उठाया गया, क्या एनडीए शासनकाल में वो एक बार में पूर्ण रूप से उसे अमली जमा पहनाया जाएगा? कहां तक अब परिस्थितियां पहुंची हैं? देखिए, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती कि एक बार में पहनाया जाएगा कि 2 बार पहनाया जाएगा, पर हां ये जरूर कह सकती हूं कि पहनाया जरूर जाएगा। चलिए दुर्गेश जी, कहां कमी है? अगर हम कमी की बात करें, कानून सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कानून नहीं है, इस तरीके के कानून के प्रावधान होने चाहिए, कमी कहाँ रह जाती है हर बार? देखिए, कमी जो है वो कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक वर्ग हैं, जो उनके जो आका हैं, जो टिकटों का वितरण करते हैं, जो इस तरह के लोगों को टिकट देते हैं, और खासकर जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अपराध भी 2 तरह के होते हैं, एक जो एकदम जघन्य अपराध हो, तो उसमें मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक संज्ञान लेना चाहिए। और अब जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट की जो बात निकल करके सामने आई है, अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के पास भी और राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास भी अब ये पूरी तरह से उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक नैतिक दबाव है कि वो इस तरह के दागी नेताओं को कम से कम मंत्रिमंडल से दूर रखें, उनको कम से कम अपनी पार्टियों में जगह न दें, उनको सांसद या विधानसभा के टिकट न दें, ताकि और ये चीज अचानक से नहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि संख्या जिसे हम जैसा कि रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि 34% अगर इस तरह के हमारे लोग हैं जो कि संसद में फिलहाल मौजूद हैं, इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तो अचानक रातों रात कोई जो है वो चमत्कार की उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से एक शुरुआत करनी चाहिए, और जैसा कि नरेंद्र मोदी लगातार अपने चुनावी भाषणों में बोलते रहे हैं, और वो आज बहुमत की सरकार है उनके पास, वो उसके मुखिया हैं, उनसे पूरे देश को ज्यादा अपेक्षाएं हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार के मुखिया के तौर पर इस दिशा में उनको कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। घूम फिर कर जो सवाल आता है वो सरकार की मनोदशा पर, सरकार की इच्छा शक्ति पर आता है कि उसकी तरफ से किस तरह के कदम यहां पर उठाए जाने चाहिए। क्योंकि अगर पिछले कार्यकाल की बात की जाए या आपके कार्यकाल की बात की जाए, ये पहला मसला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके की टिप्पणी की गई हो या इस तरीके की कोई व्याख्या की गई हो, और साथ ही साथ इससे पहले भी लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसे सवाल उठाए गए हैं और संसद में भी लगातार ये सवाल उठता रहा है। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि संसद के अंदर 10 बार यूपीए शासनकाल में यह सवाल उठा है, लेकिन आखिर अमली जामा पहनाए जाने में क्यों देरी हो जाती है? इच्छा शक्ति की कमी है या फिर सरकारों को इस बात का डर है कि अगर दागियों के खिलाफ कोई इस तरीके का सख्त कानून बनाया गया, उनकी सरकारें गिर जाएंगी? अनिला जी, सवाल सिर्फ राज्य सिर्फ लोकसभा का नहीं है, राज्यसभा का भी है। राज्यसभा के अंदर जो भी सांसद चुनकर भेजे जाते हैं, उनको कौन चुनकर भेज रहा है? अगर लोकसभा की बात है तो सीधा उनका चयन जनता करती है, लेकिन अगर राज्यसभा के अंदर चयन हो रहा है तो उन्हें कौन चयन कर भेज रहा है? और उसके अंदर अगर दागी पहुंच रहे हैं तो उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? सुमित जी, जैसा आपने पहले भी कहा था, मेरे ख्याल से इसका हल तभी हो पाएगा जब कोई सख्त कानून इस विषय पे बनेगा। तो जब कानून बनेगा तो उसमें तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो सभी कुछ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला कदम तो यही होना चाहिए, कोई कानून कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। इच्छा शक्ति की बात है सिर्फ नहीं, क्या हम तमाम चीजें सिर्फ न्यायपालिका के संदर्भ में छोड़ दें? क्योंकि दो बातें सामने आ रही हैं। इच्छा शक्ति मुझे बाकी पार्टी, सुमित जी ठीक है बोलिए, बाकी पार्टियों का तो मुझे पता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की इच्छा नहीं होती तो अपने पहले भाषण में वो इस प्रकार नहीं कहते, मन से नहीं कहते। तो
तो इच्छा शक्ति है तभी तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने कहा है मन से। नहीं, अब हम सिर्फ क्या कानून का वेट कर सकते हैं? सवाल यही है कि अगर नरेंद्र मोदी इसे कहते हैं तो क्या इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ हम कानून का वेट तब तक करें जब तक कानून नहीं बनता तब तक हम उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे? क्या एक एग्जाम्पल सेट करने की बात कोशिश नहीं होनी चाहिए? क्या एक नहीं सुमित जी, मैंने आपको कहा जी नहीं बोलिए, आप बोलिए। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन होगा, निश्चित तौर से होगा, भारतीय जनता पार्टी में जरूर होगा। बाकी पार्टियों का मैं नहीं कह सकती हूँ, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी को देखकर वो भी इस प्रकार का कदम उठाएं। दुर्गेश जी, राहुल गांधी बीजेपी तो डेफिनेटली दागियों को बचाने वाले, आपने देखा है उनकी राहुल गांधी दागियों को बचाने वाले विधेयक को फाड़ देते हैं, लेकिन उस विधेयक पर उसको लाने की पूरी तैयारियां की जा चुकी होती हैं। ये तमाम चीजें क्या दर्शा रही हैं? एक तरफ पार्टियां इस तरीके के विधेयक को आगे कर रही हैं और एक तरफ राहुल गांधी उसे बचाते हैं। खैर, वो पूरा एक अलग केस है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए इस चीज को आगे करना चाहता हूं, इन तमाम परिस्थितियों के बीच में क्या हम फिर भी कानून का वेट करते रहेंगे, या पार्टियों के अंदर अपनी इच्छा शक्ति जगेगी, वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, तब जाकर इस तरीके की मनोदशा से बचा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो है वो इच्छा शक्ति की है, और बात कहना और करना, कथनी और करनी में बहुत फर्क जो है राजनीतिक पार्टियों की नजर आता है। सबसे बड़ी जो बात है, मुझे जो लगती है कि अगर आप राजनीति से इस तरह के जो दागी नेता हैं उनको अगर आप सांसद या विधायक बना करके विधानसभाओं और संसद तक पहुंचाएंगे, जो कि राजनीतिक पार्टियां ही ये काम करती हैं, उनके आका लोगों द्वारा ही टिकट दिए जाते हैं इस तरह के लोगों को, और आपराधिक छवि के जो लोग हैं इस तरीके से विधानसभा और संसद में पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वहीं पर रोक लगाई जाए। और यहां सबसे बड़ा सवाल है इच्छा शक्ति का। अगर इच्छा शक्ति है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन से, अगर कभी चुनाव होता है, किसी दागी को अगर टिकट दिया जाता है, तो अमूमन यही होता है कि संपत्ति में 200 से 2000 फीसदी तक का इजाफा होता है। आप अगले कैलेंडर ईयर में या फिर 5 सालों के बाद उस व्यक्ति की संपत्ति का ब्यौरा ले सकते हैं। क्या ये तमाम चीजें इंडिकेट नहीं करती हैं? क्या ये तमाम चीजों का मैसेज जो है पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर या जो पार्टी है उसके अंदर नहीं पहुंचता है? क्यों फिर आंखें बंद की जाती हैं? सिर्फ इसलिए कि सत्ता बचे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो मोटिव होता है, जो उसके पीछे की सोच होती है, संख्या बल बढ़ाना और सत्ता में काबिज रहना, ये दो बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं हर राजनीतिक वर्ग को मजबूर करती हैं कि इस तरह के लोगों को न चाहते हुए भी कई बार जो है उनको मौका दिया जाता है, उनको टिकट दिए जाते हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। लेकिन आज की जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, उसके बाद जो है मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बाकी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं सबको अब जो है एक आत्मचिंतन करना होगा और इस पर एक कदम बढ़ाना होगा ठोस, और वो एक ऐसा कदम हो जो कि जनता तक सीधे मैसेज जाए कि हाँ, सरकार इसके बारे में गंभीर है, और राज्य सरकारें जो अलग अलग जो क्षेत्रीय दलों की जो अलग अलग सरकारें अलग अलग राज्यों में शासन कर रही हैं उनको भी अपने यहां एक इस तरह की कार्यप्रणाली डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ इच्छा शक्ति दिखानी होगी, और तब जाकर के एक धीरे धीरे एक क्रम वाइज, क्योंकि अचानक रातों रात हमको चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तब जो है धीरे धीरे इसमें हमको लगता है कि ये सफाई हो सकता है, कानून इस पर बनना चाहिए और उसके लिए इंतजार करना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में टिप्पणी कर चुके हैं और वो खुद कह चुके हैं कि 1 साल के अंदर ये ट्रायल कोर्ट जो ट्रायल है वो 1 साल के अंदर खत्म हो और उसके बाद जो है स्थितियां और कुछ सुधर कर सामने आए। एक ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। क्या सियासत को दागियों से बचाया जा सकता है? क्या संसद को दागियों से खाली करवाया जा सकता है? सवाल सबसे बड़ा यही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उसके क्या मायने हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच मेरे साथ अमन पवार साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं, एडवोकेट भी हैं। अमन जी, आप ही के पास आना चाहता हूं। लगातार हमने जो यहां पर चर्चा की उसमें यही बात निकल कर सामने आई है कि इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी रही है। यूपीए शासनकाल की भी यहां पर बात की गई कि पिछले, अगर यूपीए सरकार के शासनकाल की बात की जाए तो 10 बार संसद में मामला उठा है, लेकिन कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से इसे अमलीजामा नहीं पनाया जा सका?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टाइम टू टाइम एक बहुत ही अहम भूमिका रही है हमारे देश में, चाहे वो करप्शन को नियंत्रण में रखने की हो या जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने की। अभी इसी संक्षेप में मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। 2002 से पहले ये कभी भी कानून नहीं था कि जो उम्मीदवार हैं, जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनको अपने खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं या जो भी उनकी डिटेल्स हैं वो पब्लिक डोमेन में लेके आने की कोई ऐसी यहाँ पे पहले कोई कानून नहीं था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट के द्वारा ये कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी कोई आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हो, एमएलए का लड़ रहा हो या ग्राम पंचायत के लेवल का इलेक्शन लड़ रहा हो, म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रहा हो, उसको अपने खिलाफ जो भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है वो अपने इलेक्शन के से पहले एक एफिडेविट में डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। पर दुर्भाग्यपूर्ण हुआ क्या कि 2002 में जो सरकार थी उसने ऑर्डिनेंस के द्वारा इस फैसले को रिवर्स किया। फिर 2003 में ये जो ऑर्डिनेंस और ये जो कानून सरकार ने बनाए सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा लेके एक जनहित याचिका में ले जाया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस जो कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए इस कानून को का खंडन करते हुए इस कानून को हटाया। तो अब ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये भी उसी दिशा में ठीक है अमन जी, यहां तक ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है ना, बिल्कुल लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके की टिप्पणियां आई हैं, मई में भी उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी, अब फिर से टिप्पणियां आई। सवाल यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सारा दारोमदार सौंप दिया जाए तो फिर संसद की क्या जरूरत रह जाएगी? क्या संसद के अंदर जो तमाम नुमाइंदे जनता के बैठे हैं उन्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि राजनीति को साफ किया जाना चाहिए या राजनीति के अंदर जो दागी आ रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए? तो सवाल यही है कि यूपीए के शासनकाल में अगर इस बात को बार बार उठाया गया, आखिर वो कौन सी इच्छा शक्ति थी या वो कौन सी कमी थी जिसके कारण इस तरीके का कानून जो है वो अमल में नहीं आ सका? क्या न्यायपालिका ही तमाम कानून बनाएगी? नहीं, ये देखिए, आप देखिए यूपीए के कार्यकाल के दौरान 2005 में जो आरटीआई एक्ट लेके गए, लेकर जो यूपीए आई, वो इस पूरे मुद्दे में सबसे बड़ा कदम आज की डेट में आरटीआई एक्ट है कि अगर हम आज के दिन में किसी भी सरकारी व्यवस्था में या कहीं पर भी जो कोई एमएलए या एमपी है उससे कोई जानकारी लेना चाहते हैं वो आरटीआई एक्ट में लेके आ सकते हैं, वो ठीक है। और आप जो यहाँ पे अब इंटेंशन की बात कर रहे हैं कि हाँ। यहाँ पर जो पार्लियामेंट में जो सरकार है उसकी इंटेंशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इंटेंशन यहाँ बहुत जरूरी है, बिना जब तक सरकार की इंटेंशन नहीं होगी। कांग्रेस की इंटेंशन कहां थी? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की इंटेंशन थी। कांग्रेस की इंटेंशन थी जब ही आरटीआई एक्ट लेके आया गया, तमाम एक्ट लेकर आया गया। ठीक है अमन जी, अगर इंटेंशन की बात की जाए, नहीं अगर यहां इंटेंशन की बात की जा रही है तो क्या तमाम उन दागियों को जिन पर आरोप लगे थे उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिए गए? अगर आप हिस्ट्री में जाएं, अगर यहाँ टिकट दिए जा रहे हैं तो ये कैसे मान लिया जाए कि पार्टियां जो हैं वो इस चीज को लेकर ज्यादा सजग हैं या उनकी इच्छा शक्ति है? देखिए, आप पहले यहाँ पे गवर्नमेंट और पार्टी को कंफ्यूज मत करिए। नहीं, बात मैं आपको एक मिनट में ठीक है, आप उन्हें इन्फ्यूज मत कीजिए, लेकिन अगर एटलीस्ट कोई पार्टी अगर कोई जीत के आई वो ऑलमोस्ट आकर सरकार अगर जीतती है तो सरकार ही बनाएगी, तो वो जिन दागियों को टिकट दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट सरकार में आएंगे फिर। बिल्कुल आएंगे। और आज की अगर आप देखिए आज का पार्लियामेंट देखेंगे आप तो 30% जो पार्लियामेंट में जो आज मंत्री हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, 18% जो उनके मंत्री हैं उनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग और कम्युनल डिसहार्मनी तक के चार्जेस हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी बड़े ही एक संकल्प के साथ आए थे कि हम क्लीन गवर्नेंस का मुद्दा लेकर हम वापस यहाँ पर नई सरकार बनाएंगे। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप एक बात बताइए, और आप यहाँ पे अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में भी ऐसी कई घटनाएं हुई, मैं बिल्कुल मानता हूँ, जैसे अशोक चव्हाण के साथ एक घटना हुई, उनको ड्रॉप किया गया, पवन कुमार बंसल के ऊपर कोई आरोप कुछ आरोप लगे सिद्ध भी नहीं हुए थे, जैसे ही आरोप लगे उनको ड्रॉप किया गया। ये जो सिद्ध वाला क्राइटेरिया है, तमाम पार्टियों ने या तमाम सरकारें जो सत्ता में रही है उनकी तरफ से जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि मामला अंडर ट्रायल है, इस चीज का जिक्र हमने अभी भी किया था, बिल्कुल, कि क्यों लगातार इस बात हवाला दिया जाता है कि ये अंडर ट्रायल है, क्यों इस चीज की जगह ये मिसाल सामने क्यों नहीं आती कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगते हैं तो उन्हें साइडलाइन किया जाए और जब तक वो क्लीन चिट उन्हें नहीं मिलती है तो उन्हें आगे बढ़ाया जाए? इस मनोदशा की शुरुआत कौन करेगा? किसी को तो शुरुआत करनी होगी या एक दूसरे पर हम कीचड़ उछालते रहेंगे? इस बात पे मैं बिल्कुल आपका समर्थन करता हूं कि ये जो मनोदशा है, ये एक पार्टी जो पावर में है या जो एक पार्टी विपक्ष में बैठी है उसके अंदर खुद से आनी चाहिए। ये जो है
सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ कानून नहीं बना सकता, क्योंकि उस आदमी के खिलाफ अभी तक कोई अपराध सिद्ध हुआ ही नहीं है। तो अब अपराध सिद्ध हो गया तो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था कि किसी भी जो भी कोई एमपी या एमएलए जिसके खिलाफ अपराध सिद्ध हो चुका है और अगर वो उस अपराध में अगर उस की सजा 2 साल से ज्यादा है तो वो एमपी एमएलए रह ही नहीं सकता, उसकी उसी टाइम पर मेंबरशिप जो है वो खारिज हो जाती है। पर जो लोगों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है उनको आपको मंत्री पद पे रखना है नहीं रखना, वो जो पार्टी पावर में है उसका जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। अनिला जी, यहां पर जो अमन पवार साहब कांग्रेस की तरफ से मेरे सामने आए हैं वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भले ही क्लीन गवर्नमेंट की बात करते हों लेकिन वैसी स्थितियां बिल्कुल नहीं है, वो जो आइडल सिचुएशन का नजारा दिखाया गया था वो नजर नहीं आया अब तक। नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, और जैसे अमन जी ने भी ये कहा था कि ये तो पार्टियों की इच्छा शक्ति पे भी डिपेंड करता है कि जो सत्ता में है या विपक्ष में बैठी हुई है, ये कहीं ना कहीं उनकी मनोशक्ति है कि भाई वो करना चाहते हैं, इस तरीके का कदम उठाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। पर हाँ, कहते हैं ना ऑन एंड लार्ज, ये हमेशा देखना चाहिए कि क्लीन चिट वाले या क्लीन छवि वाले अगर मंत्री बनेंगे या सांसद बनेंगे या विधायक बनेंगे तो एक मैसेज भी अच्छा जाता है लोगों के बीच में। तो मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर कहा है तो जरूर इसको जमा पहनाएंगे, और कांग्रेस का तो क्या कहा जाए, वो बेचारे पहले ही रोते रहते थे कि भाई हमारी मजबूरी है, हम इस तरीके का कोई कदम नहीं उठा सकते, फिर राहुल जी ने विधेयक भी फाड़ कर फेंक दिया था, तो उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, कांग्रेस की अपनी मजबूरियां रहती होंगी इसलिए वो दागी लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी जो है डेफिनेटली जो उन्होंने कहा है उसके लिए वो कदम उठाएंगे। ठीक है, पावर साहब, मैं अनिला जी से पूछना चाहूंगा तो क्या कारण है कि निहाल चंद और उमा भारती जैसे लोगों को अभी भी आपने कैबिनेट में रखा हुआ है, उनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, रेप तक के चार्जेस आपके एक मंत्री के खिलाफ पेंडिंग है, अगर आप इस चीज का दावा कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठा रहे हैं? अनिला जी, आप लोग क्लीन गवर्नमेंट की जरूर बात करते हैं लेकिन उसका उदाहरण सामने नहीं आता। ये कि आपने कैसे मान लिया कि नरेंद्र मोदी जी कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक वो मंत्री बरकरार है उनके कैबिनेट में, आपने निकाला नहीं है किसी को भी। कोई जरूरी तो नहीं है कि हमारी कैबिनेट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसका खुलासा हर वक्त हम करते रहे। बिल्कुल, आपको लोगों ने चुना है, आप एक सेंटर में बैठी हुई सरकार है, आप जो कदम उठाएंगे उसको लोगों तक उसको बताना बिल्कुल जरूरी है। नहीं पवार साहब, यहाँ पर एक्शन लिया जाना चाहिए। जो इंटरनल पॉलिसी है तो वो तो पार्टी जो है अपने आप डिस्कस करेगी, और जो चीज सार्वजनिक करनी है वो सार्वजनिक करेगी। ठीक है, प्रवक्ताओं के माध्यम से मसला यही आता है। नहीं पवार साहब और अनिला जी, मसला यही आता है घूम फिरकर कि जो दोनों ही पार्टियों के अंदर दागी हैं उनके खिलाफ दोनों पार्टियों की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिसे एक एग्जाम्पल कहा जाए या इसे ट्रेंड सेटर कहा जाए, पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से। अमन जी, आप एक उदाहरण बता दीजिए जो आपकी सरकार की तरफ से किया गया हो, आपकी पार्टी की तरफ से किया गया हो। बिल्कुल, मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि आप सुमित जी बोलिए। अनिला जी बोलिए। हाँ सुमित जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो इस प्रकार के जो केसेस चलते हैं तो एक तो हीनियस क्राइम जैसे शुरू में कहा गया था, और एक जो राजनीतिक कारणों की वजह से जो मुकदमे चल जाते हैं उनको भी जरा अलग करके रखना चाहिए। बिल्कुल, ये पहले अभी अभी आपने उमा जी का नाम लिया, आप भी जानते हैं कि कोई हीनियस क्राइम उन पे नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उनके खिलाफ पेंडिंग है, मेरे पास रिकॉर्ड है जिस केस में आया हुआ है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है मैडम, मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूँ। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, ठीक है, उन पर जो आरोप लगे हैं वो एक अलग केस है। मैं इस बात का यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ कि ठीक है, जिस पर जो आरोप लग रहे हैं अंडर ट्रायल है, लगातार पार्टियों की तरफ से इन तमाम चीजों के दावे किए जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पवार साहब, आप लोगों की तरफ से अगर बीजेपी अगर इस तरीके कदम उठा रही है तो आपकी सरकार जब सत्ता में थी आप लोगों ने कौन से कदम उठाए? आप लोगों ने चौहान को भी आगे कर रखा है, आप येदुरप्पा का फिर उदाहरण देने लगते हैं। क्या तमाम पार्टियां एक दूसरे के सामने सिर्फ नाम रखती रहेंगी? आप आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी थी वो जो
एक जो इनडायरेक्ट संदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीएम्स और पीएम को और सारे जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनको, वो ये दिया गया है कि आप अपने कैबिनेट में उस आदमी को मंत्री ना बनाइए जिसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग है। बिल्कुल, उसमें दो वजह से बनाया गया। एक तो देखिए हमारे देश की छवि खराब होती है कहीं ना कहीं कि जो आदमी जिस किसी के खिलाफ ऐसे क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग है वो मंत्री है। दूसरा, वो आदमी अपने मंत्री पद पे रहते हुए उस क्रिमिनल ऑफेंस में जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है, और उसमें जो जो न्यायिक प्रणाली है या जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसी आप और अब आप मुझसे उदाहरण मांग रहे थे, तो आप ये देखिए कि अगर आदर्श घोटाले में कहीं पर भी अशोक चौहान जी का नाम सामने आया तो इमीडिएटली कांग्रेस हाईकमांड ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया। ऐसे ही जब पवन कुमार बंसल के किसी एक रिलेटिव का नाम कोई रेल से संबंधित उसमें आया तो इमीडिएटली उनको मंत्री पद से हटाया गया। तो ये जो स्टेप्स है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में नहीं ले पा रही है, ना ही अपने जो यही है। आपकी पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं यहां पर अमन पवार साहब, आप उनका कहना है कि बीजेपी के अंदर वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर नहीं है। अगर आपके आपके किसी मंत्री के खिलाफ कोई इस तरीके का केस आता है तो आप लोग कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान का नाम आगे किया जा सकता है। आप येदुरप्पा को भी वापस इसलिए लेकर आ जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ अंडर ट्रायल चल रहा है। आप कौन से पूछ रहे हैं? जी अनिला जी, हाँ नहीं नहीं पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कि अभी पवार साहब बोल रहे थे कि अपने अशोक चव्हाण जी का, पवन बंसल जी का, ये तो इतने एक तरीके से बिल्कुल ये जो स्कैम्स हुए थे एक्सप्लोर किया था, तो इनके पास कोई और चारा ही नहीं था। ठीक है, और इनके भी अगर मैं जो इनकी कैबिनेट थी, इनके मिनिस्टर्स थे, इनके एमपीज थे, ये खुद जानते हैं कि कितनों पर अपराधी और बहुत हीनस टाइप के भी अपराधों के मुकदमे चल रहे थे। तो अभी यही तो बात हो रही थी कि भैया तो आप ट्रायल फास्ट करिए, अगर कोई चार्ज शीटेड है तो उसको हम कैसे मानकर चले कि ये मतलब अपराधी है। आप एक तरीके से कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है वो गलत करी है। अगर आप ये कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप गलत मान रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जिस पर ट्रायल चल रहा है, इसको गलत ना कहें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उन्होंने ये कहा है कि अपराधियों को, नहीं नहीं अपराधियों नहीं शब्द यूज करा है। मैं एंकर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पास जजमेंट का कॉपी भी है, अपराधी शब्द नहीं यूज किया है। दागियों का नाम लिया। ठीक है दुर्गा जी, यहां पर सामाजिक उत्तरदायित्व कितना है, पार्टियां जितनी जिम्मेदार हैं, समाज कितना जिम्मेदार है, क्योंकि अगर दागियों को टिकट मिलता है तो दागी ही जीतता है, इसलिए पार्टियां टिकट देती हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ही बुनियादी बात आपने कही है सुमित। समाज ही से वो नेता भी आते हैं, आम जनता भी समाज का ही हिस्सा है। जो पार्टी, जो जैसे मैं अभी दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, निश्चित रूप से यही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है जब इस पर कुछ गहराई से करने की बात होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने इस बहस की शुरू में ही कहा था कि जिस वक्त आप किसी प्रत्याशी का चुनाव करते हैं कि इनको हम विधानसभा के लिए या संसद के लिए हम जो है टिकट दे रहे हैं, उसी वक्त अगर इस बात पर जो है जोर दे दिया जाए, इस बात पर ध्यान दे दिया जाए कि अगर कोई चार्जशीटेड है किसी के खिलाफ, अगर जघन्य आरोप में कोई मामला उसके खिलाफ दर्ज है, तो अगर उसी लेवल पर ही छटनी हो जाए, उस तरह के लोगों को जो है राजनीति में प्रवेश न दिया जाए, उनको टिकट न दिया जाए, तो मुझे लगता है कि फिर मंत्री बनने या कैबिनेट में शामिल करने की बात ही नहीं आएगी। लेकिन आमतौर पर ऐसा व्यवहारिकता में होता नहीं है, क्योंकि हर पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बाकी के क्षेत्रीय दल हो, सब में इस तरह के जो आपराधिक छवि के लोग हैं वो शामिल हैं। और आज पार्लियामेंट में 34% इस तरह के लोग सब बतौर सांसद मौजूद हैं, तो ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए अथवा राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए बड़ी बड़ी टेढ़ी, ये बिल्कुल टेढ़ी खीर है कि वो तुरंत जो है इस पर रातों रात कोई बड़ा निर्णय कर ले। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की आज की जो टिप्पणी है वो निश्चित रूप से उनको अपने जो उनके कर्तव्य है उनको याद दिलाने की कोशिश है, और ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि कम से कम इस तरह के दागी छवि के लोगों को कम से कम मंत्रिमंडल में जगह न दी जाए। जैसे कि अभी अमन जी बहुत एक सही बात कह रहे थे कि अगर किसी भी इस तरह के दागी जो है या आपराधिक छवि के आदमी को अगर आप मिनिस्टर बना देते हैं, तो अगर उसके खिलाफ कोई भी जांच अगर पेंडिंग है, चल रही है, तो वो उसको प्रभावित कर सकता है। और ये मुझे लगता है कि इसका निर्णय वो हर बात में कानून बन जाए, हर बात को हम सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश होगा तभी मानेंगे, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। ठीक है अमन साहब,
यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जिस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था, मैं उसे भी एक बार दोबारा से कोट इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी उस बात का जवाब दे सकूँ जिसमें आपने कहा कि हमने उन तमाम अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति से या संसद से दागियों को दूर रखा जाए, प्रधानमंत्री को उसके लिए उन्होंने स्वतंत्र भी किया है कि अपनी कैबिनेट चुन सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें अगर दागियों को राजनीति से दूर रखना है तो पार्टियों को कहीं ना कहीं अपने टिकट चयन के जो उम्मीदवार हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको डिफ्रेंशिएशन लाना पड़ेगा, आपको अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी। क्या कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंदर, आपकी पार्टी के लिए खासकर पूछ रहा हूं, आप बीजेपी क्या कर रही है, तमाम पार्टियां क्या कर रही हैं उस पे ना जाए, कांग्रेस पार्टी ने क्या लोकसभा चुनाव के अंदर उन तमाम चीजों का ध्यान रखा? आप पवन बंसल का उदाहरण दे रहे हैं कि आपने लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया। नहीं देखिए, अब मैं आपको इसी बात पे वापस लेके जाना चाहता हूं कि एक आदमी जो यहां पर अभी तक कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ है या जो सिर्फ अभी चुनाव लड़ रहा है, हाँ, उस पवन बंसल जी के खिलाफ कोई उस टाइम पर ना कोई चार्जशीट थी ना कोई आरोप था जो किसी एजेंसी ने लगाया था। यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट जो ने जो अपना फैसला दिया है तो आपने हटाया, उसमें वो डिफरेंशिएट कर रहा है, फर्क कर रहा है। अमन साहब, फिर आपने हटाया क्यों? नहीं क्या, फिर आपने पवन साहब को हटाया क्यों? क्योंकि उनपे कोई भी किसी भी तरीके का एलिगेशन भी था तो हमने हम एक कदम आगे जाके हमने हटाया कि इनपे एलिगेशन भी है तो भी हम कांग्रेस पार्टी को उसमें ना देखा जाए, नजरिए से ना देखा जाए कि मंत्री कांग्रेस पार्टी का अभी भी बरकरार आ रहा है जब उस पे एलिगेशन है। कल को एलिगेशन सिद्ध होना, जब हटाया उसके 3-4 महीने बाद इनकम टैक्स सीबीआई का रिपोर्ट भी आया कि उनके पर कोई एलिगेशन नहीं है। बिल्कुल, हम उसी स्टेप अहेड की बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं उसी स्टेप अहेड की बात कर रहा हूं कि आखिर वो जो स्टेप अहेड है उसकी बात उम्मीदवार को टिकट देते हुए क्यों नहीं की जाती है। वक्त दूंगा मैं आपको बोलने का, एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। तो कैसे बचेगी सियासत दागियों से, सवाल सबसे बड़ा यहां पर यही खड़ा हो रहा है। अमन जी, आपके पास वापस आना चाहता हूं। आप जिस तरीके की बात कर रहे थे, आपने कहा कि हमने स्टेप अहेड लिया है, पवन बंसल का जो मामला हो या तमाम मामले, हम एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं करते हैं, उसी स्टेप अहेड को या उसी इस तरीके के स्टेप्स को उस वक्त क्यों नहीं उठाया जाता है जिस वक्त उम्मीदवार का चयन होता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस चीज को अगर हमें जड़ से खत्म करना है तो हमें जो पहला कदम उठाना पड़ेगा वो हमारे उम्मीदवारों की सिलेक्शन के टाइम पे ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे उम्मीदवार ही गलत चुनकर आएंगे तो फिर हमें उनके साथ भी हॉर्स ट्रेडिंग कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी कि उसको कैबिनेट बर्थ दी जाए या नहीं दी जाए। और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप राहुल जी ने लास्ट इलेक्शन में भी लिया था जिसमें उन्होंने कुछ चुनिंदा 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को प्राइमरीज में डाला गया। प्राइमरीज में यह हुआ कि जो लोग हैं, जो वहां के लोग थे, जो लोकल लोग थे, वो चुनाव से पहले चुनाव कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। तो ये प्राइमरी वाला जो एक स्टेप था, ये पहली बार भारत की हिस्ट्री में कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। और इसका रिजल्ट भी ये हुआ कि जहां कई जगह पे ऐसे लोग थे, जो कई बार पार्टी के लिए भी ये मुश्किल हो जाता है कि कोई दागी नेता हो और उसके वो ऐसा प्रेशर क्रिएट कर रहा हो पार्टी पे कि उसको टिकट देनी पड़े, पर प्राइमरीज के माध्यम से वो प्रेशर जो होता है वो अब जनता ही खत्म कर देती है। तो पार्टी के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं होता कि उस आदमी को देना होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला स्टेप लिया है और हम कमिटेड है राहुल जी की लीडरशिप के अंदर कि हम जो ये इस चीज को और जो दागी नेताओं को टिकट देने का जो जो प्रोसेस है वो उसको खारिज करे ताकि आगे कभी कैबिनेट में हमें ये दिक्कत ना देनी पड़े। एक बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं, एक अगर भारतीय की बात की जाए उसके तौर पर मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं। अगर आप वोट करती हैं या तमाम जो भारतीय हैं वो वोट करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या चलता है? क्या वो एक साफ छवि का नेता या उम्मीदवार नहीं चाहते हैं? तो सवाल यही है कि पार्टियों के अंदर ये प्राथमिकता दागियों को चुनने की क्यों होती है? मैं बीजेपी के नेता के तौर पर आपसे सवाल नहीं जानना चाहता हूं। देखिए सुमित जी, मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो किसी दागी को या अपराधी को टिकट दे। पर यहाँ पर एक ये बात भी मैं कहना चाहूंगी कि जैसे एक
बात कही जाती है कि राजनीति जो है बहुत गंदा क्षेत्र है और यहाँ पर अच्छे लोग नहीं आते हैं, मेरे ख्याल से वो समय आ गया है कि जब अच्छे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए। जब अच्छे लोग, अच्छी छवि वाले लोग राजनीति में आएंगे तो लोगों के पास भी चॉइस होगी तो वो किसको वोट करें और किसको वोट नहीं करें, और पार्टीज के पास भी चॉइस होगी। तो अभी कहीं ना कहीं लोगों में एक जो हेजिटेशन है कि नहीं राजनीति में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बहुत कीचड़ है, उसको मन से हटाना चाहिए। क्योंकि राजनीति एक ऐसी है, या पार्लियामेंट जो कहते हैं ना, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, ऐसी है कि वो पूरे देश का भविष्य बनाती है। तो अच्छे का स्वागत होना चाहिए, उनको राजनीति में आ जाना चाहिए, तो शायद इससे बहुत सारे मसले भी सुलझ जाएंगे, पार्टियों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो भी कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाएगा और लोगों की परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल दुर्गा जी, आप सहमत हैं इस पूरी टिप्पणी से कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो अभी अनिला जी कह रही थी वो एक बेहतर शुरुआत हो सकती है, और इसमें मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके राजनीतिक पार्टियों को ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के कैंडिडेट्स को टिकट दे रही हैं, उनकी आपराधिक छवि है या नहीं है। अगर उन पर कोई गंभीर और जघन्य अपराध जो है उसमें अगर मामला चल रहा है तो निश्चित रूप से बचा जा सकता है। लेकिन सवाल फिर सुमित वहीं आ जाता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स का। इन सब सारी बातें जो है वो जो मन से कही जाती हैं, और जब वाकई जब टिकट का निर्धारण होता है और जब प्रत्याशी जो है चुने जाते हैं कि किनको टिकट दे जाने हैं, तो वहां पर फिर जो है वहां इच्छा शक्ति का अभाव दिखता है, और उसके और यही वजह है कि तमाम बहस के बावजूद भी इस मुद्दे का कोई बहुत सकारात्मक हल जो है वो चाहे किसी पार्टी हो, अक्रॉस द पार्टी लाइन में बात करना चाहता हूं, किसी भी पार्टी की तरफ से निकल करके सामने नहीं आता है। बिल्कुल अमन साहब, जैसे मैंने अनिल जी से पूछा कि एक भारतीय के तौर पर वो जवाब दे रही थी, उन्होंने बताया किस तरीके से पार्टियों के अंदर जो है चयन किया जाता है किसी उम्मीदवार का, एडवोकेट के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारी कानून व्यवस्था जो है उसके अंदर क्या हमने लूप होल ऐसे छोड़े हुए हैं, कानून क्या कहता है इस पूरे मसले पर? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर जो जजमेंट दी है कन्विक्टेड नेताओं पर, उसके तहत अब पहले, इससे पहले हर पार्टी के पास स्कोप था कि कोई भी आदमी जो किसी अपराध में जो कन्विक्ट हो चुका है उसको टिकट दे सके, पर अब किसी भी पार्टी के पास अब वो स्कोप बचा ही नहीं है कि जो आदमी 2 साल से ज्यादा कि किसी अपराध में कन्विक्ट हो चुका है उसको टिकट दे, क्योंकि उस वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। एलिजिबल नहीं है। तो देखिए, कानून ने अपने तरफ से तो एक बड़ा अच्छा प्रावधान, एक स्टेप ले लिया है। अब जो स्टेप बचा है वो हम राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी है कि जो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हैं, या जिनके खिलाफ ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या जो किसी मामले में फंसे हुए हैं, उनको हमें राजनीति में लेके आना चाहिए, या फिर हमें स्वच्छ और साफ छवि के लोगों को राजनीति में लेके आना चाहिए। तो आप एक तरीके से देखिए तो कानून और सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर चुका है, अब जिम्मेदारी हम राजनीतिक पार्टियों की है। बिल्कुल, अब जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है, उनकी इच्छा शक्ति की है कि इस पर किस तरीके का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दागियों को संसद से दूर करने की बात जरूर करते हैं, लेकिन उस पर इंप्लीमेंटेशन कितना होगा यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वहीं अब वक्त है सुदर्शन न्यूज के सवाल का। सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल है, क्या राजनीति में से दागियों को पूरी तरह हटाया जा सकता है? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUD लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें, और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 8750047855 नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और उन तमाम प्रतिक्रियाओं का उत्तर हम कल के शो रात 9 बजे दिखाएंगे। वहीं कल सुदर्शन न्यूज ने सवाल आपसे पूछा था, तो कल हमने आपसे पूछा था कि क्या अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव जीतेगी, तो उसमें ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाँ, 95% लोगों का मानना है कि अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकती है, वहीं 5% लोगों का मानना है कि नहीं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।